नॉर्थ अंडमान में जाने के लिए निकलना पड़ता है जारवा ट्राइब के रिजर्व एरिया से, जिसके लिए लगता है स्पेशल परमिट और उसके लिए लगती है लंबी लाइन। इसीलिए हम पोर्ट ब्लेयर से सुबह 3 बजे निकल गए थे। और आगे बाराटांग में जाके आती है ये जगह, जहाँ अभी भी ब्रिज नहीं बना है और सारी गाड़ियों को फेरी से एक एंड से दूसरे एंड पार करवाया जाता है। कहाँ जा रहे हो आप? देखने के लिए लाइमस्टोन केव, जिसके लिए स्पीड बोट से आना पड़ता है। और बाकी लोग तेल मतलब गांव से बोट चढ़े वहाँ जाते हैं लोग। अच्छा, कुछ के बोट में जाते हैं, लकड़ी के बोट में। अच्छा, इनका अपना बोट रहता है? गांव वाले अपने बोट रहते हैं, वहाँ से कुछ सामान लेकर आते हैं। बाकी कपड़ा वगैरह तेल मसाला वहीं से लाते हैं, सब वहीं से लेकर आते हैं। बाकी चावल सब्जी उठाते हैं, सब्जी। ये गाँव में बिजली नहीं है? बिजली नहीं है? नहीं, बिजली नहीं। अच्छा, ऐसे चल जाता है काम? ये यहाँ पे रखे सोलर रखे हैं। सोलर? इंडियन सालों से हैं ये लोग? सर बहुत साल से है। इनका माँ बाप बचपन से रहते थे, बसा लिया। अच्छा, ये केव स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे स्टोन कोई टच नहीं करना है, लाइम स्टोन है ये सारे। और जहाँ पे बाहर धूप पड़ती है पत्थर पे, वो काले हो जाते हैं, जो अंदर वाइट दिखेंगे जिन पे धूप नहीं पड़ेगी। हाँ, बताएंगे सर यहाँ पे सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं सर, देखा मैंने बोला कितना सुन अंदर वाइट दिख रहे हैं, बाहर का भी सुन सनलाइट पड़ रहा है, उसमें ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं। और सर कोई भी सुन टच नहीं, जैसे हाथ में गंदगी पसीना होते हैं, उसमें ब्लैक ब्लैक हो रहा है। हाँ, जिनका हाथ में गंदगी पसीना है उसमें ब्लैक होते हैं, इसलिए बाहर पर डोंट टच लिखे। अच्छा, मैंने बोला वाइट दिख रहे हैं, अंदर को सनलाइट नहीं पड़ रहा, इसलिए वाइट नहीं। सर मैंने बोला उसमें कितना वाइट दिख रहा है, अंदर तो सनलाइट नहीं आ रहा, इसलिए ज़्यादा वाइट दिख रहा है। सर यहाँ पर देखा सर, जैसे मंदिर पर देखिए संग देखोगे, बड़े बड़े मंदिर पे संग बहुत स्टाइल पे दिख रहे हैं। आज जैसे लगाते घरों पर लाइटिंग झूमर, घरों को लगाते हैं झूमर देखोगे इस टाइप के। यहाँ पे खड़ोगे सर, यहाँ पे सुन रहे हैं इनको, बहुत डायमेंशन गेट बोल रहे हैं, 100 मीटर गेट बोल रहे हैं। पानी से ग्रो कर रहे हैं और धीरे धीरे पानी गिरते झटके रहेंगे, अभी जम रहा है नया बन रहे। बाराटांग के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी माया बंदर, जहाँ हमें आज की रात स्टे करना था। लेकिन रास्ते में ही हमें दिखा ये एक खाली बीच, जहाँ हमने रुककर थोड़ी देर रेस्ट किया। Oh,
बिल्कुल कैमोफ्लेज है। बंदर पे जहाँ हमने स्टे किया वहीं पे हमने देखा सनराइज और इसी के पीछे था ये ब्यूटीफुल सा बीच। तो ये सी है या बैक वाटर लेक ये हमें समझ नहीं आ पाया लेकिन बहुत ही खूबसूरत। टिकलीपुर की तरफ जा रहे हैं हम और रास्ते में हमें ये दिख गया है कि रेप्टाइल रोड क्रॉस करता हुआ जो कि मिनी क्रोकोडाइल जैसा लग रहा है लेकिन कुछ और ही है। गो कहते हैं इसको लोकल लैंग्वेज। अंडमान में ये है माया बंदर, माया बंदर में है कर्माटांग बीच। कर्माटांग बीच है बिल्कुल खाली, सुबह के 7 बजे है, बहुत ही शानदार बीच है। यहाँ पे आके जो है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट हो जाता है और ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी है। जो पेड़ हैं वो सारे पाम ट्रीज और जो रास्ते में आए हम रास्ते में भी ऐसी वेजिटेशन है, इतनी डेंस फॉरेस्ट है कि एक के ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है। कहीं कहीं तो ऐसी भी है जहाँ पे धूप नहीं आती नीचे, तो बहुत ही अलग रास्ता है। बहुत कम लोग यहाँ पे आ पाते हैं लेकिन इसीलिए आपको ये सेक्लूडेड बीचेस देखने को मिलते हैं। एकदम ऐसा लग रहा है प्राइवेट बीच पे आए हैं, खाली है, कोई नहीं है। समंदर की लहरों का मज़ा ले सकते हैं आराम से, पानी साफ है लेकिन ये मिट्टी के कारण जो है वो कलर इसका ब्राउनिश है जो दूसरे बीचेस पे वाइट कहीं कहीं दिखता है। नेक्स्ट इसके बाद हम जाएंगे डिगलीपुर, डिगलीपुर में रॉक है।